हजारीबाग से केवल 26 किलोमीटर की दूरी पर टाटीझरिया प्रखंड से महज 5 किलोमीटर की दूरी होगी ये मुरुमातु गांव है। और देख रहे होंगे कि अभी हम नदी में खड़े हैं और बड़ी मुश्किल से इस नदी को जब बरसाती नदी को जब पार हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ जो हैं जो बर्तनों के साथ हैं वो यहीं के निवासी हैं। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पानी पीने के लिए जो पेयजल है उसके लिए जो वो आप देख रहे हैं जहाँ से उन चट्टानों से पानी जो रिस कर आता है उसी पर ये लोग आश्रित हैं। पूरे गांव में एक भी चापाकल नहीं है, एक चापाकल जो है भी वो ख़राब है, एक सोलर जल मीनार भी बनाया गया वह भी ख़राब है। कई बार कहा गया लेकिन मरम्मत उसकी हुई नहीं और वो उतना कारगर भी नहीं है कि इन क्षेत्रों में पानी को वो दे सके। ये लोग लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आते हैं और यहाँ से पानी ये लोग पीते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया गया ये गांव है, उसकी ये हकीकत है। कितनी दूरी से आते हैं आप लोग पानी लेने के लिए, क्या दिक्कत है? आधा किलोमीटर दूर। यहाँ बारिश के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हम लोग को उधर से आना पड़ता है, पूरा पानी भर जाता है, उस साइड से आना पड़ता है। यहाँ चूहा में भी पानी भर जाता है, गिरने का डर है, छोटा छोटा बच्चा लोग भी यहाँ नहाने धोने के लिए आता है। सब पूरा गांव का यहाँ से पानी पीता है, वो भी बहुत साल पहले से, दादा पुरखा का टाइम से। तो आप लोग कभी घर में बोले नहीं, लगता कि आप तो नहीं नहीं इधर शादी होके आई होंगी तो बोले नहीं कि कहाँ हमको ला के ले आए कि पीने का पानी तक नसीब नहीं, कभी बोली नहीं घर में? नहीं बताते ये सब, अब बोल के क्या फ़ायदा होगा? कितना साल से मेरा सास सब यहीं से पानी पीते आ रही है, हमको तो पता भी नहीं है, हम नई नई हैं यहाँ की। मेरा मैरिज हुए 2 साल हो रहा है, 2 साल से हम यहीं से पानी ले जा रहे हैं, कभी घर में तो पानी ढोए भी नहीं है। मेरा घर में नल उल लगा हुआ है, मेरा शादी यहाँ ऐसा गांव में हो गया कि पानी तक नहीं है। देख लीजिए पुतोह जो आपकी हैं वो ऐसे बोल रही हैं, क्या यही आप भी जब आई थी तो ऐसी ही स्थिति है कि कुछ पहले ठीक था या अब ना? यह तरह पानी हमने जहना से मैंने आए लिए तहना से पानी पीते यही है से। तो कभी बोली नहीं लोग? हमने इतना दिन तो हनिये ना आने पार बे, हमने बुढ़ाई के लिए से यहाँ से पानी पियो ही तो हमने ना आने पार भी से कहो थी। अच्छा, मतलब कि चूंकि हम लोग लाए हैं तो जो नई दुल्हन है वो कहे क्यों नहीं लाएगी। अच्छा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, लेकिन जब से देखिए एक युवा यहाँ पे हैं जो हमारे साथ हैं, कभी लगा नहीं कि यहाँ पे गांव में कुछ व्यवस्था होना चाहिए इतना दूर से पानी की व्यवस्था होती है? सर, पानी का व्यवस्था तो हम लोग बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि हम लोग का महज 1.5 किलोमीटर की दूरी में हमारे प्रखंड मुख्यालय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि पंचायत समिति सरपंच हैं, मुखिया हैं, उन लोगों को भी इस समस्या से अवगत कराया हम लोगों ने कि हम लोगों को पानी की बहुत समस्या है पीने की। तो एक कम से कम हमारे जो समस्या है उसका चापानल के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सके, लेकिन अभी तक उन लोगों ने हम लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। अच्छा, कितने लोग पहले ये बताइए रहते कितने लोग हैं जो इसी पर आश्रित हैं? लगभग हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 1200 से 1500 करीब है, लेकिन लगभग आधी जनसंख्या चूहा पर निर्भर है। इसी पे? हाँ, इसी। तो आधे लोगों के लिए क्या व्यवस्था? आधे लोगों के लिए कुछ लोगों का कुआं है और कुछ चापानल पर है जो उधर अलग टोला में है। अच्छा, अंतिम बार आपने यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि को कब देखा था? लगभग 2-2.5 साल हो गया सर। कौन थे जो आए थे? हमारे यही मुखिया प्रतिनिधि थे, किरण देवी। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि? नहीं, मुखिया खुद होते। अच्छा, वो मुखिया हैं? हाँ, उनके पति को हमने दिखाया, फिर एक हमारे पंचायत सेवक थे सुरेश प्रसाद, जो उनका मृत्यु हो गया, उनको भी लाके। अच्छा, बड़े नेताओं में जो यहाँ बड़ा नाम है जिनका, उन नेताओं में से कोई आया? कोई नहीं सर, हम लोगों ने बहुत उन लोगों से कहा, जैसे कि हमारे सांसद महोदय जयंत सिन्हा हैं,
हमारे मांडू विधानसभा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल है, उन लोग तो कभी आए ही नहीं। मैं खास करके विधायक जी को नहीं कहूँगा, मैं सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव था तो मैं उनको आमंत्रित किया प्रतिनिधियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि आप मेरे गांव आइए और गांव की समस्या को देखिए और हमारी समस्या का समाधान किस तरह से होना चाहिए और करिए। लेकिन आज तक कोई विधायक सांसद कोई नहीं आया और हमारे समस्या भी समाधान नहीं हुआ। कोई सरकारी अधिकारी जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वीडियो सभा है? नहीं सर, आते हैं लेकिन वो सिर्फ कुछ आवास वगैरह के बारे में आते हैं, वो जाँच ऊँच करके चले जाते हैं। अच्छा, घर वगैरह जो होता है उसके चयन के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन पेयजल की क्या व्यवस्था होगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और अब तो जो पुरानी पीढ़ी है वह भी इस आदत से इतना वो ये हो गए हैं लगातार पानी यहाँ से भरते भरते कि अब नई पीढ़ी को भी कहती है कि हम लोगों ने जब पानी यहीं से भरा है तो आपको क्या दिक्कत है, आप बहू हैं तो जाइए और वहीं से पानी लाइए। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी व्यवस्था के साथ जीने को मजबूर है और वह महज जो शहर है वहाँ से 25 किलोमीटर की ये दूरी है। विस्मय अलंकार लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।